हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी डिक्टेशन का अगला एक्सरसाइज लेकर के आए हैं, एक्सरसाइज नंबर 18। और ये एक्सरसाइज आपको, जैसे कि पता है, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जाती है। तो आपको एकांत में बैठ करके कॉपी पेंसिल लेकर के जो है इसकी आउटलाइन लिखनी है, डिक्टेशन लिखनी है। और अगर कोई आउटलाइन आप भूल जाते हैं, नहीं बना पाते हैं या आउटलाइन नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो हमारा यही सजेशन है कि आप पहले इस पैराग्राफ को अच्छे से 4 या 5 बार खूब प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो और आप उसकी आउटलाइन आसानी से बना सकें। चलिए आज हम डिक्टेशन बोलते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, इस प्रकार ये निर्णय, यद्यपि शिक्षा के विकेंद्रीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए उपयुक्त कहे जा सकते हैं, पर ये विभिन्न निर्णय ग्रामीण स्तर तक पहुँचते पहुँचते कितने क्रियान्वित हो जा पाते हैं और योजनाएं कितनी कारगर हो पाती हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। इसलिए इन निर्णयों को क्रियान्वित करने और विभिन्न योजनाओं को कारगर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को अपनी राज करने की प्रवृत्ति को छोड़कर शैक्षिक चेतना से अभिभूत होकर जागरूक और व्यवहारिक होना पड़ेगा। ग्रामवासियों के साधारण जीवन की झलक और उनकी जिंदगी की तड़प देखने की क्षमता अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। अपनी सुख सुविधाओं का भोग छोड़ जनसाधारण की नब्ज तक पहुंचने की प्रवृत्ति अपने मन में जगानी होगी। इसी प्रकार शिक्षकों को रोज की उठापटक की राजनीति से हटकर अपने उत्कृष्ट व्यावसायिक वृत्ति के अनुकूल बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की लगन अपने मन में पैदा करनी होगी। अन्यथा यह समझ लिया जाना चाहिए कि ढाक के 3 ही पात होते हैं। योजनाएं और निर्णय चाहे सैकड़ों हो जाए, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक पूरी शिक्षा व्यवस्था को ग्राम पंचायतों को सौंपने की बात है, वहाँ तो यह पहले ही रेखांकित किया जा चुका है कि पंचायत राज कानून को लागू करने पर विद्यालय ग्राम शिक्षा समितियों के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि ग्राम पंचायतों की स्थापना हो जाने के बाद अपने क्षेत्र के चहुंमुखी विकास करने का दायित्व अब ग्राम पंचायतों का ही होगा। शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना जगाना और उसका सुदृढ़ीकरण करना अब ग्राम पंचायतों का काम होगा। पर वर्तमान प्रदूषित राजनीति के स्वार्थ के दौर में शिक्षा व्यवस्था में कितनी सहजता व अस्पष्टता बढ़ेगी, यह तो समय ही बताएगा। पर इतना आवश्यक है कि अब शिक्षा से सरोकार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को दोबारा परिभाषित करना ही पड़ेगा और शिक्षा को संक्रमण से उबारने, सामाजिक मूल्यों और शिक्षा के अंतः संबंधों को तलाशने, शिक्षा के सुदृढ़ीकरण करने, उस
उपयोगी बनाने और विविध कौशलों से जोड़ने के लिए हमारे समाज के सारे जनप्रतिनिधियों को मजबूर होना पड़ेगा। समाज के बहुआयामी विकास के लिए शिक्षा के प्रति एक सोच हर जन प्रतिनिधि को अपने अंदर लानी पड़ेगी, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे कर्मियों, अधिकारियों व नीति निर्माताओं को मदद मिल सके और शिक्षा व्यवहारिक बन सके। ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली गई है। इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके मैच करें, और अगर कोई आउटलाइन नहीं बनाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करें। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।